वॉलेंट्री, नाम समझ समझ में आ रहा है, वॉलेंट्री मतलब चाह के। किसी भी इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा है तो वो इकोनॉमी ऑब्वियसली कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हर गवर्नमेंट, हर इकोनॉमी हमेशा कोशिश करती है कि कम से कम लाने की और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की। लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बन जाती है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है बहुत ज्यादा टाइप्स का होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे दो टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका नाम है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर लोग चाहते हुए बेरोजगार है। अब आप कहेंगे सर चाहते हुए कौन बेरोजगार होना चाहते हैं? वॉलंटरी, नाम समझ समझ में आ रहा है, वॉलंटरी मतलब चाह के बेरोजगार होने का मतलब है या तो उन लोगों को उनके जॉब के या उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, या जितने पैसों में वो काम करना चाहते हैं उतने पैसों में उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के। और उसी तरफ होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पे लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं जो काम मिले, जितने पैसों में काम मिले, हम वो काम करने को तैयार हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या इंडिया में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ज्यादा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।